अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह ज़ोजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 11 इंशाअल्लाह ज़ोजल पढ़ेंगे। और इससे पहले 10 पार्ट हो चुके, अगर आपने नहीं देखे तो उसे भी देख लीजिए। और आज का जो पार्ट है इसमें नया जो है टॉपिक शुरू होगा है ना, गुस्ल का बयान यानी नहाना, जिसको हम ठीक है नहाना बोलते हैं, गुस्ल का बयान। देखिए अब आगे सवाल जो आपकी सूरत में है इसमें काफ़ी हद तक आपको इल्मे दीन भी सीखने मिलेगा, तो तवज्जो के साथ सुने। और अगर आप जानते हैं पहले से तो तवज्जो के साथ देखें, ताकि आपको उर्दू के नए नए अल्फाज और नए नए जुमले आपको पढ़ने में आसानी हो ना। देखिए यहाँ से ऊपर तो आप देख लीजिए, गुस्ल का बयान है ना, गुस्ल यानी नहाना। देखिए सवाल, गुस्ल करने का तरीका क्या है? इस्लामिक माहौल में, इस्लामिक कल्चर में नहाने को गुस्ल कहते हैं, तो गुस्ल करने का तरीका क्या है, तो हर एक मुसलमान को पता होना चाहिए। देखिए जवाब, गुस्ल करने का तरीका यह है कि पहले गुस्ल की नियत करें, यानी नियत यानी दिल में इरादा करना, ठीक है, या फिर बाथरूम में जाने से पहले बारही जबान से कह लेना। तो गुस्ल की नियत करके दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ है ना गिट्टों तक 3 बार धोएं, है ना, जो हाथ का जो हमारा वो दायरा होता है हाथ खत्म होने के बाद, जो उंगलियां खत्म होने के बाद दोनों तरफ कड़क हड्डी होती है, वो ये गिट्टो बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वहां तक धोएं। फिर इस्तिंजा की जगह धोएं, ठीक है, यानी जहां से हम मतलब पेशाब और पाखाना करते हैं उस जगह को धोएं, आगे पीछे दोनों मकाम को धोएं जहां पर नापाकी लगी। उसके बाद बदन पर अगर कहीं नजासत यानी नापाकी और नजासत हकीकिया, यानी बता भी रहे नजासत की भी किस्म होती है, ये नजासत हकीकिया एक कैटेगरी है, यानी क्या पेशाब पाखाना वगैरह हो तो उसे दूर करें, यानी उसको हटा देना है, पानी से धो के साफ कर लेना है। फिर नमाज जैसा वुजू करें, जो पार्ट नंबर 9 और 10 में जो वुजू का तरीका और जो वुजू का पूरा बयान बताया गया वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो नमाज जैसा वुजू करना है, मगर क्या करना है, पांव न धोएं, हाँ न धोएं, लेकिन अगर चौकी या पत्थर वगैरह ऊंची जगह पर नहाने है ना नहाए तो पांव भी धो ले, जिसको हम पटली कहते हैं ना, वो पटली पर बैठते हैं, तो अगर ऊपर बैठे हैं आप तो फिर पांव न धोएं, नीचे हो तो पांव धो लेना है, ठीक है। इसके बाद बदन पर तेल की तरह पानी चुपेड़े, मलना है ना, जिस तरह मालिश की जाती है तेल से, इसी तरह यहाँ पर समझाने के लिए ये भी बताया गया ना कि तेल की तरह पानी चुपड़ना है, ठीक है, ताकि समझ में आ सके, ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है, पानी चुपेड़े। फिर 3 बार दाहिने कंधे यानी सीधे कंधे पर पानी बहाएं, कंधा यानी खबा जिसको हम शोल्डर कहते हैं ना, तो वहां पर पानी बहाना है ऊपर से बिल्कुल खड़े होकर के। और फिर 3 बार बाएं कंधे पर, ठीक है, उल्टी तरफ, फिर है ना सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं, पानी बहना है, अब आप डोल से या बाल्टी से जिससे भी आप बहरें पानी बहना चाहिए, ठीक है, टोंटी हो फुवारा हो जाहिर सी बात है पानी बहता ही है, इससे भी तमाम बदन पर हाथ फेरें, हाथ को फेरना ताकि पानी पहुंच जाए, और मलें निमालिश करते इस तरह हाथों को मले, फिर नहाने के बाद फौरन कपड़े पहन लें। तरीका हो गया बिल्कुल आसान है, देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले नियत करनी है ना, इसके बाद हाथों को धोना है, फिर मतलब इस्तिंजा की जो जगह है नापाकी जहाँ से निकलती है आगे पीछे दोनों मकाम को धोकर अगर नापाकी लगे तो उसको साफ करना है, इसके बाद नमाज जैसा वुजू करना है, फिर सीधे कंधे पर पानी बहाना है 3 बार, उल्टे कंधे पर पानी बहाना है और सर से लेकर पांव तक कोई हिस्सा सूखा न रहे, ये पूरा गुस्ल का तरीका हो गया। देखिए अब दूसरी भी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सवाल, गुस्ल में कितनी बातें फर्ज हैं, कितनी चीजें जो जरूरी है कंपल्सरी जिनको हमें करना है? जवाब, गुस्ल में 3 बातें फर्ज हैं, कौन कौन सी, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, चूंकि ये दोनों चीजें जो नमाज जैसा वुजू करते हैं उसमें आई जाती है, लेकिन इसको हमें बिल्कुल फोकस के साथ करना है, ये छूटना नहीं चाहिए, इसमें कुल्ली भी कंप्लीट करनी है और नाक में पानी भी चढ़ाना है और तमाम जाहिरी बदन पर सर से पांव तक पानी बहाना है ना, सर के बार से लेकर
नीचे पांव के तलवे तक, ये तमाम जाहिरी बदन कहलाता है, तो इस पर पानी बहाना ये फर्ज है, तभी आपका गुस्ल कंप्लीट होगा, जिसको हम कहते हैं गुस्ल उतारना। नापाक होने के बाद ये गुस्ल करना ही पड़ेगा। अगर नापाक नहीं है और अगर आप ऐसे ही नहा रहे तो चले ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ सूखा रह गया तो आप पहले से पाक थे, लेकिन जब नापाक हो जाते हैं किसी जरिए से, है ना, और या फिर जो नापाकी के जो मतलब काम है उसके जरिए से, जो गुस्ल फर्ज होने की जो सूरत है गुस्ल फर्ज होने की, उसके जरिए से अगर नापाक हो जाते, फिर तो आपको कंप्लीटली सही तरीके से गुस्ल करना ही पड़ेगा, तभी आप पाक होंगे। वरना जब तक आप सही से पाक नहीं होंगे, तब तक ना आप कुरान को छू सकते हैं, ना आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखिए इसके बाद क्या है, गुस्ल में कितनी बातें सुन्नत हैं। तो देखिए जवाब के गुस्ल में ये बातें सुन्नत हैं, आगे बता रहे हैं ये बातें, यानी ये वाली बातें। देखिए गुस्ल की नियत करना है ना, दोनों हाथों को घिट्टों तक 3 बार धोना, इसमें जो तरीका है वो भी आ गया, लेकिन जो जो सुन्नत है वो अलग से बता रहे हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। इस्तिंजा की जगह धोना, बदन पर जहां कहीं नजासत हो है ना उसे दूर करना, ठीक है। नमाज जैसा वुजू करना, इस तरह आगे बदन पर तेल की तरह पानी चुपेड़ना, मलना है ना, दाहिने मोंढे पर फिर बाहें है ना, यानी सीधे कंधे पर, शोल्डर पर, सीधे खभे पर, सीधे कंधे पर, फिर उल्टे कंधे पर है ना, सर पर और तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाना, ठीक है, जो बताया गया तरीके में। तमाम बदन पर हाथ फेरना और मलना, पानी पहुंच जाए ना, और इससे क्या होगा कि अगर आप पहले पानी डालने से पहले भी अगर पानी चौपड़ लेंगे ना तमाम शरीर पर, जहां पर आप बिल्कुल लीला कर देंगे, तो पानी वहां पर आसानी से बह जाएगा, ठीक है। नहाने में किबला रुख न होना, काबा शरीफ की तरफ न होना, और कपड़े पहनकर नहाना हो तो कोई हरज नहीं, ठीक है। देखिए आगे, हाँ यानी अगर कपड़े बगैर नहा रहे तो अलग बात है किबले के रुख, लेकिन कपड़े पहने हुए तो फिर कोई बात नहीं। ऐसी जगह नहाना कि कोई ना देखे, नहाते वक्त किसी किस्म का कलाम न करना, कलाम यानी कम्युनिकेट, बातचीत, ठीक है। कोई दुआ न पढ़ना, औरतों को बैठ कर नहाना, नहाने के बाद फौरन कपड़ा पहन लेना। अब देखिए इसके बाद और भी सवाल है, उनको भी आप जान लीजिए। सवाल, किन सूरतों में, सूरत यानी वजह, किस बार, किन सूरत में यानी किस तौर पर, या यूं भी कह सकते हैं किन किन वजहों से है ना, किन सूरतों में गुस्ल करना फर्ज है, यानी कौन कौन सी बात हो जाएगी तब गुस्ल करना बिल्कुल फर्ज है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। देखिए जवाब देख लीजिए, मनी का अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा होकर उज्व से निकलना, ठीक है। मन यानी जो वाइट पानी जो रहता है मर्द के लिए, ठीक है, औरत के लिए भी होता है, तो उसका निकलना ये अपनी जगह से, औरत के तो खास मतलब दिन ही होते हैं, ठीक है, ठीक हो, जिसको हम हैज कहते हैं या फिर निफास, ठीक है, अलग अलग हुक्म है दोनों का, लेकिन मर्द के लिए मनी का मामला होता है ये सेम मर्दों के, तो कि अगर ये अपनी जगह से शहवत के साथ है ना, फीलिंग के साथ अगर जुदा है, तो फिर वो उज्व से निकल गई है, तो फिर गुस्ल उन पर फर्ज है, फिर कंप्लीट गुस्ल अदा करना पड़ेगा। इस तरह एहतलाम जो सोने की हालत में, यही काम अगर सोने की हालत में होता है, ठीक है, इस तरह हशफा यानी सरे जकर, ठीक है, यानी ऊपर की जो टोज होती है उसका औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना, दोनों पर गुस्ल फर्ज करता है, ठीक है। जिमा या दोनों मर्द औरत या दोनों मर्द, जिस तरह जीना वगैरह का मामला होता है, तो इससे भी मतलब के गुस्ल फर्ज हो जाता है। और हैज से फारिग होना, जो औरत है वो हैज से फारिग हो गई, जो पीरियड जो होते हैं उसके दिन होते हैं खास, उससे फ्री हो गई, तब उसको उस पर गुस्ल फर्ज है। इस तरह निफास का ख़त्म होना, यानी जब बच्चा पैदा होता है इसके बाद जब खून वगैरह जो बंद हो जाता है, इसके बाद भी गुस्ल फर्ज है औरत के लिए। देखिए आगे, किन वक्तों में गुस्ल करना सुन्नत है। तो देखिए कौन कौन सा वक्त है, जुमा, ईद, बकरा ईद, अरफे के दिन, अहराम बांधते वक्त है ना नहाना सुन्नत है, और ये आपने अहराम जो है वो हज के लिए जब जाते हैं उस वक्त, ठीक है। बाकी देखिए किन सूरतों में गुस्ल करना मुस्तहब है, करेंगे तो सवाब मिलेगा है ना, मुस्तहब यानी अच्छा काम है। देखिए जवाब, वकूफ है ना, वकूफ अरफात, वकूफ मुजदलफा,
ये सब अहकाम हज के है ना, जब वहाँ पर रुकते हैं और जब हाजरी हरम, हरम की जब हाजिरी के लिए जाए, हाजरी सरकार आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, तवाफ, दुखुले मीना, ये सब अहकाम है वहाँ पर। और ये सब मकाम भी है ना, वकूफ है, अरफात एक मकाम है, जगह है, मुजदलफा जगह है, हरम ये भी जगह है, ये सब जगहों के नाम है, मुबारक मुतबर्रिक जगह है ये सब, ठीक है, बाबरकत जगह है, वहाँ पर जब जाते हैं तो गुस्ल करना चाहिए है ना, मुस्तहब है, ठीक है। इस तरह दुखुले मीना, मीना में दाखिल होना है ना, तीनों जुमरों पर कंकरियां मारने के लिए जब वहां पर जाते हैं हज के अय्याम में, शबे बारात है ना जो अभी गुजरी रमजान पहले ही, शबे कद्र जो अभी रमजान ही में गुजरी, अरफा की रात है ना, मजलिस मिलाद शरीफ है ना, मिलाद शरीफ की मजलिस में जाना यानी इज्तिमा वगैरह में, ठीक है, और दीगर मजालिस खैर की हाजिर के लिए, भलाई के लिए है ना, मुर्दा नहलाने के बाद, जो लोग नहलाते हैं मुर्दे को, उसको नहलाने के बाद उनका गुस्ल करना मुस्तहब है। इस तरह मजनून को जुनून जाने के बाद, पागलपन चला गया इसके बाद, गशी से इफाके के बाद, यानी बेहोश था, अब बेहोश होने के बाद वो उठा जब होश में आया, उसके बाद इस तरह नशा जाते रहने के बाद है ना, गुनाह से तोबा करने के बाद तब भी गुस्ल करना मुस्तहब है, यानी सब आपका काम है, ठीक है। नया कपड़ा पहनने के लिए सफर से वापसी के बाद, थके हुए थे ना सफर के बाद, तब इस्तेहाज़ा बंद होने के बाद, इस्तेहाज़ा ये औरत के साथ खास है, ये बीमारी का खून होता है, ठीक है, हैज़ और निफास के अलावा है ना, ये इस्तेहाज़ा, इसके बाद इस तरह नमाज़े कुसुफ, खुसुफ, इस्तिस्काए खौफ है ना, जो आंधी वगैरह होती है उसके खौफ के वक्त जो नमाज़ पढ़ी जाती है, इस तरह चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की जो नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, ठीक है, उस वक्त, इस तरह तारीकी और सख्त आंधी के लिए बदन पर नजासत लगी हो है ना, यहाँ तक हो गया ये, सख्त आंधी के लिए, उससे पहले भी आप कर सकते हैं, इस तरह बदन पर नजासत लगी हो तब भी मुस्तहब है ना, और ये न मालूम हो कि किस जगह है, यानी मालूम नहीं है किस जगह है, बाकी नजासत अगर मालूम है तो आप उस हिस्से को धो लीजिए तो आप पाक हो जाएगी, लेकिन मालूम नहीं है तो आप पूरा भी नहा सकते, गुस्ल कर सकते हैं। इन सब सूरतों में गुस्ल करना क्या है, मुस्तहब है, यानी सब आपका काम है। नॉट क्या है, देखिए, घुटना खोल कर लोगों के सामने नहाना सख्त गुनाह और हराम है ना, ये बहुत आपको ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग स्विमिंग पूल वगैरह में जाते तो इसी चीज़ की मतलब वहाँ पर पाबंदी नहीं हो पाती, ठीक है, तो इससे बचना चाहिए। इस तरह नजिस कपड़ा यानी नापाक कपड़ा पहनकर गुस्ल न करें, और अगर दूसरा पाक कपड़ा न हो तो उसी को पाक कर ले, ठीक है। इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल पार्ट नंबर 12 में नया बयान है, तयम्मुम का बयान इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल पढ़ेंगे।